हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि दिवाली की सफाई हर घर में अभी हो रही है, तो मैं भी दिवाली की ही सफाई कर रही हूँ और ऐसे भी करते रहती हूँ बीच बीच में आप लोग के साथ शेयर। बट अभी तो स्पेशली दिवाली के लिए ही कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। आज 25 हो गया और ये 25 का ब्लॉग है गाइस। तो बस यहाँ पे ये वाला जो कैबिनेट है ना, मैं नहीं क्लीन की थी, आप लोग के साथ आगे का ब्लॉग शेयर की हूँ। नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग में मैं कर रही हूँ। कल फिर मैं जितना बस की थी ना, उतना आप लोग के साथ अपलोड कर दी थी वीडियो। बट आगे का जो भी है ना क्लीनिंग, आज मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ। तो बस सुबह उठने के बाद अभी तक मैं चाय भी नहीं बनाई हूँ, डोनट था, डोनट खा के और मेडिसिन वगैरह जो भी मेरे को खाना था ना मैं खा ली हूँ। अच्छे से ऊपर वाला रैक को क्लीन करके और नीचे टाइल्स वाला जो रैक है ना, इसको मैं हमेशा ही पोछा लगा देती हूँ। नीचे वाले में मैं नहीं बिछाती हूँ पेपर, क्योंकि डस्ट हो जाता है और ज्यादा कुछ भर के नहीं रखती, नहीं तो फिर कॉकरोच आने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देता ना। और ये वाला जो कैबिनेट है ना, ये ट्रायंगल शेप में है। एक साइड में ना इसमें वो भी है, सिलेंडर रखने का भी एरिया है, यानी कि यहाँ पर वैसा जैसे इस साइड और दोनों साइड लगा हुआ है ना स्लाइड करने वाला कैबिनेट, तो वो नहीं लगा हुआ है। जो पहले से ओरिजिनल पत्थर था वही है, ये इसलिए छोड़ दिए थे भैया ताकि कुछ भारी सामान रखना हो तो मैं इसके ऊपर रख सकती हूँ। तो बस यही कर रही हूँ, ऊपर वाले में पेपर बिछा दी, इसके बाद सारा डब्बे वगैरह को पोछ के रख दी। डब्बा मीन्स ना बड़ा बड़ा दो डब्बा था जिसमें कि राशन स्टोरेज राशन रखी थी, और एक और बड़ा डब्बा था जो सिंक के नीचे रहता था, उसको भी अभी वहीं पे रखी हूँ क्योंकि सिंक में जो प्रॉब्लम है ना वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। मेरे हस्बैंड अभी भी बाहर हैं आउट ऑफ, तो उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि वो मिस्त्री को लेकर आए और फिर बनवाए, इस वजह से मैं लाफ्ट में सिंक के नीचे कुछ भी नहीं रख पा रही हूँ। तो बस अच्छे से नीचे कैबिनेट को सफाई करने के बाद, पोछा लगाने के बाद झाड़ू लगा दी हूँ। और ये जो पेपर वगैरह है ना, कल ही जब मैं कैबिनेट क्लीन की थी ना, तो सारा पेपर नीचे गिरा गिरा के रखी थी, उनको मैं नहीं उठाई थी रात में, अभी उठाकर डस्टबिन में डाल रही हूँ। और रात में कल बस ऐसे मोटा मोटा हल्का हल्का झाड़ू लगा ली थी और अभी भी फिर से लगा ले रही हूँ। इधर बैठ गई फ्रेंड्स, क्योंकि ना थक गई पसीना पसीना, सबसे मैं थकने से ज्यादा पसीना ऐसे से चूने लगा ना, तो बहुत अनकंफर्टेबल लगा, तो चले गई रूम में, थोड़ा देर बैठी और इतना ही करते करते थोड़ा बहुत और भी चीजें करी हूँ, मतलब बहुत चीज नहीं भी कैप्चर कर पाती हूँ। और टाइम अभी पता है 1 बज गया दोपहर का, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। में चाय भी नहीं पी हूँ, मैं डोनट खा के, दवाई मेरे को खाना रहता है ना सवेरे, तो मैं डोनट खा के सारा दवाई खा ली थी। खाना बना हुआ है लेकिन जब तक पूरा काम ना कर लूँ ना, तो फिर खाना खाने का मेरा इच्छा नहीं करेगा। तो डोनट खा के दवाई खाई हूँ, सुबह ही खा ली थी, अभी जा रही हूँ चाय बनाने। और देखिए आवाज आ रहा है ना मस्जिद से, 1 बज गया है और बहुत लिप्स फट रहा है मेरा कल से, पानी कम पी रही होंगी क्या पता, तो थोड़ा सा ना बोरोलिंग लगाई हूँ, तो बने रहिए। अब जा रही हूँ ये सब कैबिनेट के ना ऊपर वाला जो एरिया है ना, मतलब जल्दी मैं साफ ही नहीं करती, बस सोचते रहती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ। ऊपर अच्छा खासा तेल चिपका होगा, कन्फर्म हूँ मैं, क्योंकि कितना भी चिमनी जलाओ, कितना भी कुछ भी करवा लो इंटीरियर, लेकिन किचन ऐसा चीज है ना, ऑयल का यहाँ पर यूज होता है, कभी भजिया छान लिए, कभी पूड़ी बना लिए, कभी किसी और चीज को छान लिए, तो सबसे ज्यादा ना ऑयल किचन पर कब्जा करके गंदा करता है, इसीलिए हमेशा जब जब कोना कोना मिलता ना तो साफ करते रहती हूँ, जिससे ज्यादा बर्डन ना लगे। कल जो काम की ना उसमें उतना डस्ट नहीं लगा जितना आज ये नीचे साफ की तो डस्ट फील हुआ, लेकिन चलो अच्छा है, फिर भी कोई गंदा बिल्कुल नहीं था, सिर्फ एक हल्का हल्का धूल होता है ना वो, और बहुत सारा पॉलोथीन आता है ना सब्जी वगैरह का, तो वो मैं सिलेंडर में फंसाते जाती हूँ, मतलब जमा करते रहती हूँ, उसी में ना कचरा डाल डाल के डस्टबिन में डालते रहती हूँ, तो वो पॉलिथीन था बहुत सारा, तो सब कुछ जमा दी, सिलेंडर को भी अच्छे से पोंछ दी, उस एरिया को तो क्लीन करते रहती हूँ बट आज सिलेंडर को भी अच्छे से पोंछ दी हूँ। अब जा रही हूँ ये विंडो वगैरह को क्लीन करूंगी, ये दिख रहा है ना थोड़ा सा, मतलब स्कॉच लगा के इसके रॉड को, जिससे कि जितना साफ हो पाए, कोशिश ऐसी करके थोड़ा बहुत ना क्लीनिंग हो जाता है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग लॉन्ग भी होता है तो प्लीज पूरा फुल वॉच कीजिएगा, कैप्चर करने में बहुत दिक्कत होता है, काम के साथ साथ में वीडियो शूट करना, ओ माय गॉड, जो काम अगर 2 घंटे में खत्म होगा ना, अगर वीडियो शूट कर रहे तो पक्का 5 घंटे में खत्म होगा, ऐसा हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए।
अब ना पानी पानी वाला काम करूंगी, इसलिए एक बार मोटा मोटा कचरा ना मैं पहले ही उठा दी, क्योंकि पैर से ना फिर इस रूम से उस रूम में ना फैलता है, तो पूरा अच्छे से साफ कर दे रही हूँ। जाला उला नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक बार झाड़ू अच्छे से ना इधर उधर घुमा दे रही हूँ। जाला जब भी दिखता है ना हम लोग को, तो मैं भी हटाते रहती हूँ और मेरे हस्बैंड भी जब तब हटाते रहते हैं। मतलब जाला दिखता है तो वो रात को भी हटाने लगते हैं, तो मैं मना करती हूँ, रात को नहीं क्लीन करते, गुरुवार को नहीं जाला हटाते हैं, लेकिन वो भी हटाते हैं। इस वजह से यहाँ पे तो मेहनत कम हुआ कि मुझे जाला तो बिल्कुल भी नहीं मिला, लेकिन मैं एक राउंड पूरा झाड़ू अच्छे से चला दी। और ये जो है ना जो कैबिनेट के जो ऊपर का सरफेस है ना, उस पर मैं जो बर्तन धोने वाला स्टील होता है ना, उसमें साबुन को लगा के, बर्तन धोने वाला ही साबुन लगा के अच्छे से घिस घिस के ना एक बार साफ कर रही हूँ, क्योंकि ना ऑयल जैसा ना परत ना ऊपर बैठ गया है। कितना भी मैं चिमनी जलाती हूँ उसके बाद भी ऊपर में बैठा है, और ये मुझे था अंदाजा कि ये पक्का ऊपर में ना होगा गंदा, लेकिन मेरे हस्बैंड पोछे थे ना उतना अच्छे से नहीं, बस ऐसा होता ना नॉर्मली पोछ दिए थे। अभी मैं देखी हूँ तो देखी कि पूरा मतलब काला काला हल्का हल्का जैसे होता ना एक परत सा बैठा है, जो कॉलिन डालती ना तो नहीं साफ होता, इसलिए अच्छे से इस बर्तन धोने वाले स्कॉच और स्टील से रगड़ दी, फिर गीला कपड़ा करके गर्म पानी में डुबा डुबा के 2-3 बार पोंछ दी। और कैबिनेट जो है ना वो पूरा वाटरप्रूफ है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो जब जैसे ज्यादा गंदा है, कुछ इस टाइप का दाग लगा है जो नहीं छूट रहा, तो कर सकते हैं ऐसे, तो वैसे ही करके मैं क्लीन करी। इसके बाद ये पूरे जो भी कैबिनेट का सामने वाला एरिया है, इन सभी चीजों को भी अच्छे से कॉलिन डाल के पोंछ दी। और ये स्टील वाला जो हैंडल है, इसमें भी कुछ कुछ हल्का हल्का ना दाग जैसा लग गया था, तो थोड़ा रगड़ रगड़ के कोशिश कर करके कॉलिन से छुटाने की कोशिश की। और इस साइड जस्ट इंडक्शन और गैस के साइड वाला जो ये सरफेस है कैबिनेट का, ये तो बहुत ज्यादा गंदा है। और यहाँ पर ना प्लेटफॉर्म पे स्पेस भी कम है, यानी कि यहाँ पे का प्लेटफॉर्म ना चौड़ाई थोड़ा सा कम है, तो मेरा जितना बस हाथ पहुंचा है उतने दूर ही मैं देख सकते हैं आप लोग कैसे खड़े होके वैसे ही रगड़ रगड़ के और फिर पानी में डुबा डुबा के और फिर एक साफ पानी भी नल से लेते जा रही हूँ। एक गंज रख दी हूँ सिंक में, उसी में पानी भरा रहा है और उसी में डुबा डुबा के अच्छे से पोंछ के साफ की हूँ। और ये जो ग्लास वाला एरिया है ना, यहाँ पर मेरा ना टेबल पे चढ़ने के बाद भी ना हाइट नहीं मिल रहा है, तो बस इस साइड जो ग्लास वाला कैबिनेट है जस्ट उसके ऊपर वाला साइड लाइट भी लगा हुआ है, तो लाइट ऑफ करके तब मैं क्लीन कर रही हूँ, बट मुझसे नहीं हो पाया है इस साइड वाला ना, तो बस उतना ही एरिया क्लीन करने के लिए छोड़ दी हूँ। हस्बैंड आएंगे ना तो वो कर देंगे, क्योंकि काम करना है लेकिन देखते हुए सेफ्टी पर्पस से, क्योंकि थोड़ा भी गिर गई ना लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे ही कुछ इस टाइप की हरकतें देख के ना बहुत गुस्सा करते हैं मेरे हस्बैंड कि गिर जाओगे, बहुत सफाई का बीमारी लगा है कुछ ना कुछ। तो जब भी काम करती हूँ ना, मुझे एक बार तो जरूर उनका याद आता है। मैं कोशिश अक्सर यही करती हूँ कि घर में ना रहे ना तभी मैं ये सब काम करूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड आउट ऑफ थे ना, तो अब घर आने वाले हैं, इसलिए मैं सबसे पहला आक्रमण ना किचन में की, क्योंकि ये देखो विंडो का जो ये है ना रॉड, इसको बहुत दिक्कत हुआ मुझे यहाँ पर ना बैठने के लिए कंफर्टेबल नहीं हुआ ना, तो पैर पे बहुत भार पड़ा और अच्छे से लेकिन स्कॉच से स्टील से रगड़ रगड़ के पूरा अच्छे से मैं जो रॉड है ना पूरा कोशिश करी जितना घिस पाती हूँ घिसी, और इसके बाद अच्छे से सफाई कर दी, क्योंकि थोड़ा बहुत करके तेल वेल लगा रहता है, जो खाली नॉर्मल कपड़े से पोंछती ना नहीं साफ होता। और कैमरे में उतना क्लैरिटी नहीं आ रहा है, मैं साफ कर रही हूँ ना उसके बाद देखी हूँ, एकदम सुंदर सफेद सफेद पूरा चमक रहा है, उस टाइप सा काला काला नहीं हुआ है। तो बहुत लेकिन मेहनत लगा इस ग्रिल को सफाई करने में मुझे, क्योंकि ये साल भर में मैं पहली बार ही कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड किए हैं रोड साइड से विंडो को क्लीन किए हैं, और विंडो को बाहर से भी क्लीन करना होगा, तो अब वो आएंगे ना तो वो करेंगे। बाहर में मैं जाके नहीं करती क्लीन, टेबल उबल ऐसे लगा के अच्छा नहीं लगता, समझ सकते हैं आप लोग। घर के अंदर का बस चमकाते रहती हूँ, बाहर का जो एक आध चीज है वो जब मेरे हस्बैंड को टाइम मिलेगा ना तो वो खुद कर देंगे, उनको भी अच्छा लगता है जब क्लीन रहता है। तो पूरा देख सकते हैं विंडो वाइट रॉड दिख रहा है, तो थोड़ा आ गया था उस पर ऑयल जैसा, यानी कि काला डस्ट भी बोल सकते हैं। तो वो पूरा चीज अच्छे से रगड़ के फिर गैस वगैरह क्लीन कर दी, प्लेटफॉर्म पोंछ दी, टाइल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ कर दी हूँ। और जो इधर का वॉल है ना चिमनी के साइड का,
वो सब वैसे धोने की जरूरत नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं गैस क्लीन की हुई थी, बस डस्ट गिरा था तो वही सब दोबारा से साफ कर दी। और विंडो पे ना मग्गा मग्गा ढेर सारा पानी ना बस सिर्फ एक साइड में डाली हूँ, यानी कि लेफ्ट साइड में डाली हूँ, राइट साइड में नहीं डाली हूँ, क्योंकि गैस का ना पाइप जस्ट वहीं पे कनेक्टेड है तो उसके थ्रू ना पानी नीचे लाफ्ट के अंदर जा सकता है। ये मेरा जो रखने वाला ना स्पैचुला वाला ट्रे है, इसको मैं वॉश नहीं की थी कल, तो अभी जस्ट इसको भी वॉश कर रही हूँ। ज्यादा ये गंदा नहीं था, बस डस्ट वगैरह था, तो कॉलिन से साफ करने की वजह मैं इस ट्रे को निकाल के डायरेक्ट धो देती हूँ। और ये है मेरा बर्तन धोने वाला बास्केट, तो ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, देखिए इसको मैं डबल से फिर रगड़ रही हूँ, तो जो थोड़ा सा होता है ना पानी का वाइट वाइट, वो ना बैठता है धीरे धीरे, तो अच्छे से रगड़ रगड़ के धो देती हूँ ना, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। प्लास्टिक के चीजों को भी अगर धोते रहो ना तो देखने में सुंदर लगता है। जैसे ये जाली है ना, तो इसको भी मैं स्टील से ही रगड़ रही हूँ। इस समय ना काफी सारा स्टील का टुकड़ा ना टूट भी जाता है, यानी मैं खुद ही सोचती हूँ कि जो स्कॉच है ना उसकी जान ले लेती हूँ मैं रगड़ रगड़ के, तो क्या करें, कैसे करेंगे सफाई करने के लिए, तो वही बेस्ट ऑप्शन होता है। और थोड़ा बहुत कुछ काम करो तो ऐसा तो नहीं है कि हाथ में कट नहीं लगेगा, हल्का फुल्का लग जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान दे के करती हूँ। जैसे कि प्लेटफॉर्म पे चढ़ के सफाई की, तो बहुत ध्यान से उतरना चढ़ना दोनों ही, क्योंकि ना मेरे को खुद भी डर रहता है, जरा भी पैर स्लिप हुआ, गिर उड़ गई तो फिर लंबे के से चक्कर में जाऊंगी, फिर हस्बैंड काम करेंगे कि मुझे घर में देखेंगे। फिर ये साइड साइड का पूरा ना अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, जो साइड का सेल्फ वगैरह है और उस साइड का जो भी टाइल्स है वो तो हमेशा ही धोते रहती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने से ना वॉल पर ना छीटा जाता है, थोड़ा ना थोड़ा जाता ही है, तो मेरे को एकदम से चमकता है ना, साइन करते रहता है ना, तो अच्छा लगता है। आप लोग देखे भी होंगे मेरे ब्लॉग में कि ऑलवेज ना हर तरफ से क्लीन ही दिखता है। मैं आज किचन सफाई भी करने के लिए चली हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि किचन गंदा लग रहा था, लेकिन जो एक होता है ना डीपली क्लीनिंग अंदर से हर चीज को कोने कोने से बारीकी से, तो वही की, जैसे कि इसमें ये प्लांट्स की बारी भी आ गई, इसमें जो भी सूखे पत्ते थे उसको कैंची से कट करके निकाल दी हूँ, और ये ना हर तरफ से बहुत ना गुच्छा टाइप फैलते चले जा रहा है, और यहाँ पे ना जगह कम पड़ रहा है। इसको मैं पूरा एक पॉट में ही ना शिफ्ट कर दी हूँ, बंच बनाकर दो जगह पे हल्का सा धागा लगा दी हूँ, इसके बाद इस प्लांट को अच्छे से नल में शावर की तरह नहला दी हूँ और इसके बाद रख दी हूँ किनारे, और एक है बॉटल में, तो थोड़ा सा ना ग्रीनरी रहता है ना जस्ट यहाँ सामने में, मैं बर्तन उर्तन वॉश करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है देखने में, पर ये ना काफी फैल रहा था और उधर खिड़की की तरफ पे भी ना लटकते चले जा रहा था। अभी मतलब मौसम अच्छा है, जब गर्मी का मौसम आएगा ना तो पत्ता अपने आप पीला हो के ना हल्का हल्का झड़ने लगेगा। यहाँ पे अब आ जाती हूँ मैं इंडक्शन की बारी में। इंडक्शन में जो मैं सिल्वर फॉइल लगा के रखी थी, आप लोग देखे होंगे और बताई भी थी कि सिल्वर फॉइल तार में क्यों लगाई हूँ, इसलिए लगाई थी कि तार ना गंदा ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान को अपन पानी से नहीं ना वॉश कर सकते हैं, इसीलिए। तो ये देखिए अच्छे से कॉलिन से एक बार पोंछ दी हूँ, जो कि तार एकदम क्लीन था, फिर भी पोंछ दी हूँ, पोंछ के अगेन से नया सिल्वर फॉइल लगा दी हूँ और पुराना वाला हटा दी हूँ, पुराने वाले में ना चिप 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 है तेल तेल का। तो ये हो गया मेरा इंडक्शन का भी तार अच्छे से रेडी, और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे कॉलिन का भी था पानी तो उसको भी पोंछ दी। यहाँ पर आज चिमनी का जो है ना वो तार, उसको भी कॉलिन डाल के पोंछ के और इसमें भी सिल्वर फॉइल लगा दे रही हूँ। रीजन यही है कि इंडक्शन पे या गैस पे खाना बनाओ ना तो चिमनी जलाने के बाद भी तार जहां जहां पे है उसमें भी तो धीरे धीरे आएगा। जैसे आप लोग बोर्ड में देख सकते हो, बोर्ड में भी ब्लैकनेस है, तो ये ना हस्बैंड साफ करेंगे, आएंगे ना, तो जब वो फ्री रहेंगे तो मैं उनको बताऊंगी, तो वो मीटर से पहले घर का लाइट टोटली ऑफ कर देंगे तब साफ करेंगे। ऐसे लाइट ऑन करके मैं उनको भी साफ नहीं करने दूंगी और मैं खुद भी नहीं करूंगी, क्योंकि करंट को ना साफ करने के लिए रिस्क लेना सही नहीं है, भले वो गंदा है तो गंदा ही रहे। तो यही मैं सोची हूँ कि लाइट ऑफ करके साफ, मैं नहा के जस्ट अभी आई हूँ और शाम का दिया बत्ती भी कर ली हूँ। काम करते करते आज बहुत देर हो गया, तो यहाँ पे भगवान जी का पूजा हो गया है, एक दीपक मैं छत पर ले जाऊंगी तुलसी जी के पास और बाकी यहीं पे रहेगा। ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो गया है फ्रेंड्स, और बहुत सारे काम भी हो गए हैं, नीचे का बस एरिया बस पोछना बचा है, वो नहीं पोछी हूँ मैं, बाद में जब फ्रिज क्लीन करूंगी ना
तप कर दूंगी और बस नहा के आई हूँ और इसके बाद बैठ के भगवान जी का पूजा कर रही हूँ क्योंकि शाम हो गया है आज और अभी सब्जी हो रहा है गरम, तो खाना खाऊंगी और इसके बाद फिर आगे का ब्लॉग आप लोग के साथ आगे का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।